No, not Panj Pak. Panj Pak Tan. Panjitan Pak. हाँ, शिव जो मतलब थी है तो कि ये माइटी हुए. एक्चुअली अरेबिक जो अंदर ये खुदा ताला जो नाम जब्बार है, जब्बार जो मतलब ऑल माइटी, जबरदस्त करने वालों, इतले इन जो इक्वल शिव है. तो शिव ने भजे, मतलब ऑल माइटी गॉड ने भजे, हमेशा याद करे. अने माया, दुनिया जी जे माया आए, अने मोह आए, अने तृष्णा आए. माया जो मतलब पैसो, बैरी, बच्चा, दुनिया जी जे वैभव आए, ये मड़े चीज माया में अचे. इन जो प्रेम, मटेरियल लव, इनके माया चो. मोह जो मतलब है टेम्पटेशन. अने तृष्णा जो मतलब है तरस. अने ही जे तरस है, ये इंसान के दुनिया जी चीजों जी जे क्रेविंग थी थी, पैसे जी तरस लगे, पैसो हुए तो पन पूरो न थी है. कोई के इज्जत आबरू जितनी मिले तो ये ओछी समझे. इतने तृष्णा जो मतलब असंतोषपणु. जे मारू संतोषी न है, कंटेंटेड न है, ये मारू तृष्णा वालो है. मतलब के जो मन भरेज न थो. सील संतोषी भिखिया खाए, आसन छोड़ी और कहीं ना जाए. सील एटले एब्सोल्युटली सॉफ्ट ने ठंडो. संतोषी मीन्स कंटेंटेड. गम ही आए उपरांचो से ना जोगी. जोगी ही आए के ही साढ़ा त्रे पाटन में, पाटन मीन्स वस्ती जिदा हुए उड़ा भी ने, पर सन्यासी मंगन पर न जाए. माड़ू अच्छी ने इनके दीन तो ई खाए. वह नीचे लिखन था कि आसन छोड़ी और कहीं न जाए. पोते जी जगह छड़ी किदा न विने. माड़ू अच्छी ने दीन तो खाए, न मिले तो भूखियो रिये. सील अने संतोषी ठंडो रिये, पेशेंस रखे अने कंटेंटमेंट रखे. भाव भभूति भीतर लाए, कहे गुर सहदेव साचा सन्यासी सोही केलाए. भाव एटले प्रेम, पसंदगी, कोई चीज जी लाइकिंग. किन जो भाव, खुदा जी मोहब्बत, ई भाव है. अने भभूति, भभूति जो मतलब है जे योगियों सन्यासियों है, इनकी लोगों राख बाड़ी अने ही राख शरीर मथे मलन, ई जी भभूत मलन. कपड़ा न पहरन, अने ई राख जी कपड़ो पहरन, मतलब दे आर वियरिंग दी एश. इन जो मतलब हकड़ो ई आए के पोते के बिल्कुल हम्बल अने नमाला अने नजीवा समझन. इन जी ई भभूति लगाए क्या की ना या. एसोटेरिक मीनिंग ही आए के मौला जी प्रेम में रहनो अने पोते के की ना समझनो. नारू गिनन के याद कर. नहीं कुछ होए सो तो सर्वे कुछ थाए सो, एवा सर्वे कछ शाहजी ने भावे. ह्यूमिलिटी हजर इमाम जे बहु फरमानो जी अंदर ह्यूमिलिटी है के पोते के तुच्छ समझनो, की ना समझनो, हीना खीना समझनो. इन जो मतलब ही है कि ये ऐश है ना, ये पाउडर जड़ी हुए टालकुम पाउडर है, ऐश टालकुम पाउडर जड़ी है. ये ऐश मलन से शरीर जा जे पोर्स है, ये पोर्स बंद थी वन. पोर्स बंद थी के कारण अंदर जी हीट अंदर अज रही है अने ठंडी न पोए. बियो ऐश है ना, ये बड़ी वही है, खाक थी वही है. इन जी अंदर घनी जंगल जी एड़ी लकड़ियों जी ऐश पन अच्छी भी नहीं थी कि शरीर में घसन से बैक्टीरिया न था अचन. जखम जुखम हुए ये ठीक थी विने.
کن کے جدی جدی جات جی لکڑیوں ہوں جے کر میں ان میں ایڑی کیمیکل چیز اچھی بھی نہیں تھی کہ ہی ایش اٹ سیلف از کائنڈ آف میڈیسن پر مین ریزن ان جو ای آئے کہ شریر جا کپڑا نہ تھا پہ دنیا جا پن ہی لوگ ہمبلنس جی کپڑا پہرن پن ایش پہرن سے ببوت بھوسن سے شریر گرم پن رہے ٹھنڈی نہ لگے انہیں اینٹی سیپٹک کم کرے دیو دیوتا جو امک جدے جدے آرڈرس میں مسٹیکل آرڈرس جی اندر ہی لوگ ہی ایش جو تلک لگائی یا ہی ایش جی مٹھی پوتے جے سر متھے ویجن ہی او مسٹیکل آرڈر جی نشانی جے طور تے ای چیز نہیں ببوت چوڑے دے پائے پڑاوے اتنے جے ببوت بھسے ان کے ماڑو اچی نے نمن کرن بڑو یوگی سمجھن ببوت جو شبد بہو ہے پن ایکچولی ببوت چالو کہیں ہے کہ کپڑا پیرن جی حاجت نہ رہے شریر جی جے ہیٹ آئی اندر رہے انے ماڑو کے گرمی سردی سے کہیں فرق نہ پائے تو پیر جو چوڑو ہی ہے کہ بھاو مینس پریم مولا جو پریم ببوتی انے بھیتر لائے جڑی ریتے ظاہر جی اے ہیوملیٹی جی ایش پوتے جے شریر متھے ملے ایڑی جی ریتے انتر جے اندر بھیتر انٹرنلی باتونی طریقے سے پن ہی مارو ہمبل رہے نے خدا جی سامنے یاچنا نے عاجزی کرے کہے گر سو دیو ساچا سنیاسی سوہی کلائے اچھا چھو درشن تھئی ویا ہنے درشن پچھی ہم ہیور منی نے رشیوں جی گال کیوں سے ہم نے اچھتا منی تیج من سو رہے اور وچن کچھو نہیں کہے منی جو مطلب ہم کو رچو سے کہ جے ماڑو عبادت بندگی کرے جنگل میں گفا میں دردی کے کنارے پہاڑوں میں مطلب کہ ہی وستی سے چھیٹو ہلو ونے انے بندگی عبادت کرے بھلے ان وٹے علم نہ پن ہوئے تو پیر چونتا کہ منی تے جے من سو رہے ای منی اوتے جے من جے اندر ہمیش خدا تعالی جی ذکر انے دھیان میں رہے اور وچن کچھو نہیں کہے انے ان جے منہ میں سے خدا جے نام سوائے بھئی کوئی چیز نہ نکلے ہم گھنا منیوں نہ رہے ہوئے ہیں انہی جو حکڑو تکیو کلام آئے جڑی ریتے صوفیوں جی اندر اسم الذکر آئے اسم اعظم نہ اسم الذکر جے امک صوفی ہون تھا ان کو خدا جے ناموں میں سے حکڑو نام پوتے جے آرڈر ماتے پسند کری ریزرو کری رکھن تھا وہ ان کے چون تھا اسم الذکر ہمیشہ ای لوگ کو ایج ذکر کرنا ہوں یہ کلندر آئین یہ شمس کلندر ہوا خبر ہے گنان میں جو نام آئے دنیا میں ہکڑو جی کلندر ہوئے ایٹ اے ٹائم مر کلندر کوئی دینا ہوں کلندر جو مطلب وڈے میں وڈو سو تھی وڈو صوفی تو امک صوفی آئین خاص طور سے جے کلندری فرقے والا آئین انہی جو اسم الذکر آئے علی آیا مست کلندر تو اساں جو اسماعیلی ہیں جو پن اسم الذکر علی آئے ہم ہی کتاب میں لکھی ہوئے تو ہی جے منی آئین وڈے میں وڈا جے مدی ہون انہی جو الکھ نرنجن یہ انہی جو اسم الذکر آئے الکھ نرنجن یہ کوئی وقت گام میں اچن انہی تو انجے ساتھے کوئی پن جات جی گال کرے ان جو حکڑو جواب ہوں دو الکھ نرنجن یس نو کی نہیں چاہے سر ہلائے منہ سے کوئی شبد نہیں نکلے الکھ نرنجن ایچ بولے تو پیر جو چون ہی آئے کہ ای
अवर वचन कछु नहीं कहे, ये पोते जे मुख में से कोई भी वो वचन नहीं कढे, खुदा जो ज नाम गिने। खट मीन जी छो ना दर्शन में नहीं अचन, ये सूफी जो बे तरीका अचन, खट दर्शन तो सुन पूजा ही है। अच्छा बियो खट घड़ी पाछली रणी रहे, छ घड़ी रही है अनंत खड़े जी अंदर पन समी सांजो ना, रात खट घड़ी गई जानो जी, खट मीन सिक्स, हकड़ी घड़ी 22:30 मिनट जी हुए। शिव नगर महे आसन करे, सुन मंडल महे ध्यान जे धरे, नारकी इबादत जी गाली अचन थी। शिव मंदिर सॉरी शिव नगर, शिव नगर कुरो है इंसान जो मन, नगर एटले गाम, प्रेम पाटण राजा मन शुद्ध, पाटण गाम नगर गाम, अने शिव जो नगर मन इंसान जो महे आसन करे, इदा ही हमेश वेठो हुए के बार अचेज ना, ई सुरती में ज हुए, पोते जी इबादत में ज वेठो रही है, इनके चौंता समाधि, सुरती में वेण जो मतलब है समाधि, ये असांजी सुबुह जी बैतुल ख्याल जी बंदगी आए, ई समाधि आए, अख बंद करी बार जे दरेक जात जे विचारों के त्यागी, ने मन में वही रहनो, ई शिव नगर में वही रहनो, ई पांजी समाधि आए। मंडल माहे ध्यान जे धरे, अने मंडल ज्ञान मंडल, अब दूजे ज्ञान में अच्छे तो ज्ञान मंडल में जगमग दीवो दीसे, ज्ञान मंडल जो मतलब के जिना ज्ञान आए, दैट इज इंटेलिजेंस, द प्लेस ऑफ इंटेलिजेंस इज ज्ञान मंडल, इन मंडल जे अंदर वही अने ध्यान जो धरे, कंसंट्रेशन करे, देव आनंदे लावे धुनी, कहे गुर सौ देव साचा कहिए सोही मुनि, देव आनंदे खुदा जी खुशी में लावे धुनी, धुन जो मतलब मस्ती, खुदा जी मर्जी इन जी अंदर मस्त रहे, खोटो मिले खरो मिले, दुख मिले सुख मिले, तंदुरुस्ती मिले बीमारी मिले, केन जो मिले भूखियो रिये, ई मड़े खुदा जी मर्जी समझी इन जी अंदर मस्त रहे, कोई चीज जी शिकायत ना करे, केड़ा केड़ा फाइन इन जा मतलब निकलता, कहीं मतलब ही है कि ही दर्जे सुधी नहीं पहुंचियासी, जो पनिशमेंट हुए तो अपन इन जी तरह से पनिशमेंट कबूल करी, या बोला तू पनिशमेंट ने आमीन अव इनमें राजी आया, तो ये बंदगी थी, पन पनिशमेंट जे समय के दुख समय रूंदा हो जाए, वो मरी गयो मरी गयो मरी गयो, तो दुख की एक्सेप्ट नहीं किया सी, जो मतलब के खुदा जी जजमेंट की एक्सेप्ट नहीं किया आयो, तो दुख वधी वेंदो, अने ना फरमानी थी नी। मुझे वट एकड़ो फरमान है साहब जो, दुनियावी दुख सहन करवानी शक्ति केड़ो, दुनिया जे दुखों के सहन करने की शक्ति पैदा करो, ये मुनि जो दर्जो है के दुख के सुख के कड़वे के मीठे के, दुनिया जी कोई पन ब अपोजिट चीजों आईन, इन्हीं जी अंदर ध्यान ज ना, इनके ही लगे ज ना के दुख है के सुख है, भूख है तो पन राजी, खेन जो मिले तो पन राजी, इनके तू पलंग मथे सुमार के इनके जमीन मथे सुमार, इनके कहीं फर्क नहीं लगे, ये दरवेशी आए इनके मुनि चौंता। अरे जैनी जैन मजहब वाला इन्हीं के अंदर जे इन्हीं जा वड़ा हुंता, इन्हीं के जैनी चौंता, जैनी ते जे जगपति ने जपे, देवल दिल माहे लोख पे, जैनी हुआ है के जगपति, जग जो पति
حاضر جو میں جو دھنی ای جگ جو پتی ان کے جھپے અને એની વટે તો હાજર જોમે જો ધણી આવી ને પણ એની જે હિસાબે જે કઈ હુએ દેવલ દિલ માયેલો ખપે દિલ જે અંદર જે મંદિર આય ઇન જે અંદર હમેશ પ્રવેશ કરે એટલે એની હાજરી મન જે અંદર જે મંદિર આય ઇન મે રહે सतगुरु कह रहे दिल में देवल पूजिए ही दिल में देवल पूजिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जो मेमोरिस में हकड़ो फिक्र आए ये ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड ये बॉडी के अंदर खुदा वसे तो अंदर मंदिर तो है। जई जुगत नीनी पीवे गुली तो कीधा कर तब जाए बली ही जे जैन आए ई लोको आकड़ो प्यालो बनाई था पोते जी पीण माटे अने इनजी अंदर पोते जे गुरु जे पग जी राख गिनी जिनके रज चुनता इनमें मिक्स करीने पीण इनके चुनता गुली जई जुगतनी पीवे गुली तो कीधा कर्तव्य जाए बली ई जो जुगती जी गोली पिए जुगती मीन्स सिस्टम जेम जेम जुगत सो प्रीत करे वाला तेम तेम रण विहानी जी तू दुनिया जो के दीन जो कोई पन कम युक्ति से करे टेक्टफुलनेस से अने सिस्टमेटिकली करे तो तेम तेम रेन रेन एटले इग्नोरेंस हाली विने जागृति पैदा थी गिनानो जा तो तू साइंटिफिक मीनिंग करे तो इनमें कितलो बड़ो इलम मिले रेन एटले अंधारी रात पन रेन जो मतलब इग्नोरेंस इग्नोरेंस जुलुमात है दुनिया करे ना ना युक्ति युक्ति जो मतलब है जिस टेक्स्टफुलनेस ना ना ये ना जय युक्ति नी पीवे गुली युक्ति एटले जे सिस्टम आए धर्म आए मजहब जी जो सिस्टम आए इनजे प्रमाणे हले ई इनजी युक्ति जी गुली पिए तो कीधा करतव इंजे जे आमाल आईन जाए बड़ी खराब आमाल बड़ी विन बर्बाद थी डिस्ट्रॉय थी। प्रगट देव ने पूजे जोए कहे गुरसो देव साचा जेनी कहिए सोए प्रगट देव ने हजर इमाम के जाहिर देव हुए इनके ही पूजे प्रगट अने जाहिर बाय हकड़ा जो शब्द आईन आरती जाई शब्द हुई ना जाहिर देव जंपू दीप मा बैठा भाग जिनो का गोर नजरे सो दीठा आरती की जय निकलन कतनी ये बड़ी आरती है। जाहिर देव जंपू दीप मा बैठा तो प्रगट देव नी पूजा जो है हाजर इमाम जी पूजा करे ई सच्चो जैनी है। तो हाँ अचे तो ब्रह्मचारी हिंदुस्तान जी अंदर एड़ा घना योगी ऑर्डर्स आईन के जे ब्रह्मचारी आईन एटले ही विया न करण अने ई दुनिया जी जे फेमिली लाइफ से छेटारो ब्रह्मचरी तेजना भागा भरम भांगा भरम ब्रह्म क्रिया सो बाले कर्म खरो ब्रह्मचारी ही नहीं के ही मैरिज न करे अने फेमिली लाइफ न बनाए पन ब्रह्मचारी तेजना भांगा भरम भरम एटले शंका भरम एटले डाउट कोरो खरेखर हाजर इमाम खुदा आए ई तो इंसान आए
ये भ्रम है, ये शंका है, मतलब कि इनके निश्चय न, इनके यकीन न है कि माड़ू इंसान खुदा की थी सके। ने पिछले दिन के ही जी चिंता हुई, एक फिक्र मुनिवर तमारी छमने मानस रूपे साहेब जानो। मोस्टली माड़ू दुनिया जी अंदर ही भ्रम में रोनता कि इमाम जी शनाखत नहीं थी इन्हीं के। तो सच्चो ब्रह्मचारी ई आए कि जी जिन जे अंदर भ्रम एटले डाउट निकरी विने, डाउटफुल न रहे। ब्रह्म क्रिया में इबादत, ब्रह्म क्रिया बेतुल ख्याल जी इबादत रूहानी क्रिया है, इनसे पोते जे गुनाहों के बर्बाद करे, दैट इज सच्चो ब्रह्मचारी। गुरु उपदेश लाधु गिनान, अंतर आत्मा ब्रह्म समान। गुरु जे उपदेश नसीहत, गुरु जे कहे इन जे मथे अमल करे अने इन जी समझन मेलवे एटले ज्ञान हासिल करे, इलम हासिल करे। अंतर आत्मा पोते जे बातुन जे अंदर जे रूह आए, ईज खुदा ताला जे समान आए, ब्रह्म समान, मतलब के जे आत्मा आए ये खुदा जो नूर आए। आहार व्यवहारे जुगते जाए, कहे गुरु सदैव साचा ब्रह्मचारी सोई कहलाए। आहार खेणो पीणो रेनी करनी, व्यवहार दुनिया जे अंदर इंजो रिलेशनशिप मड़े माड़ू जे साथ है, युगते जाए युक्ति सर रिये सिस्टमेटिक रिये, न ओछो थिए न वधु थिए। कहे गुरु सोदेव सच्चा ब्रह्मचारी ईज आए। 16,000 गोपियों हुई कृष्ण जी, राधिका सॉरी राधा ना पण इसकी रुक्मणी, रुक्मणी इनकी वाइफ जो नाम जिनके साथ मैरिज की रुक्मणी हुई, रुक्मणी ने कृष्ण बे वेंदा हुआ। रस्ते के अंदर जमुना नदी आ रही, ने उन वक्त बड़े जोश शोर से बरसात बरसात पियो हों पूर हो, तो होड़ी वारो इनके चई कि भगवान जमुना हेवर गुस्से में आए, मतलब के फ्लड आयो है, अने हेवर सामे पार विनो बहु मुश्किल आयो। जाविन किनारे में पानी जी अंदर पग विझी, कृष्ण चौनता इनके पग विझी पानी जी अंदर इनके चो, हे जमुना मैया। कृष्ण भगवान चौनता के जो आऊं सच्चो ब्रह्मचारी आया तो तू मुके जगिया दे। ते रुक्मणी खिल 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 खिली पड़ी, मुझे साथे मैरिज कही आए। ब्रह्मचारी जो मतलब वो है कि जो कोई नहीं पन ई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट न कहीं हुए, तो वो खिली पड़ी। तो चेती 16,000 गोपियों आई, आऊं तो जी वाइफ आया अने तू चाहे तो ब्रह्मचारी, तो जदे विनी नहीं चाहिए पानी शांत थी गयो, बजना पार थिया। बे किनारे पहुंची रुक्मणी चाहिए थी कि महाराज गाल कोरो आए, आई ब्रह्मचारी तो आयो ना, अने ब्रह्मचारी पणे जी कसम दिना तो पानी शांत थी गयो। जी हे रुक्मणी, तू मुझी जाहरी शरीर की हालत न तरफ ना, आऊं तो अकार सदा ब्रह्मचारी आया। खुदा जी कोई वाइफ नहीं, इनके अंदर बात तो नहीं मतलब ही आए। तो मोमन पर एड़ो कि दुनिया जी मोह माया में से जो दिल हटाए लो हुए। आहार खेणो पीणो रहन सहन फर्नीचर मकान मोटरों ये आहार में अचे, व्यवहार बेन के साथ रिलेशनशिप माँ बहन बीबी बच्चा बायड़ी अने बिजनेस के अंदर यारो दोस्तों के अंदर ये व्यवहार है, युगते जाए ये युगती सर हुए, इनके जेतलो खुदा हुक्म करे ये प्रमाणिकपने च रे, न जिजो न ओछो, ये सच्चो ब्रह्मचारी आए। मैं पांजे पीरे जे गिनानों में घना भेद मतलब आई, आ मुझे लास्ट वाज में चो से
અને ઊંડી ઈજા પંચ્યોસે કે જ્ઞાનો મેં ઘણી ચીજો આઈ કે જે કુરાન હદીસ મેં નથી મિલન હુંદી હોય જે અંદર કુરાન શરીફ મેં જે પાંકે જાહેર મેં ખબર નથી પોએ કે જ્ઞાન આય સુલતાન અહમદ શાહ ફરમાયું કે હી તફસીર આય કુરાન શરીફ જી ભલે બે જો દાખલો દઈને યોગીઓ જો દાખલો ડીને આવી સન્યાસીઓ જો દાખલો ડીને આવી જેને બ્રહ્મચારીઓ જી ગાલ કે આઈ તો ખુદા તાલા આદ ને સમૂદ ને નમરૂદ ને ફિરઔન જી ગાલ નહીં કે બે જા દાખલા ખુદા ગીણી હૈ અરબ કે હરિશ્ચંદ્રજી ખબર ન હોઈ તો એની કે ફરૌન જી ખબર હોઈ તો ફરૌન જી ગાલ કહી એની જે અંદર કે હિન્દુ મઝહબ ના તો સિખાડે અસાજો પીર અચ્છા બ્રહ્મચારી પૂરો થયો સતી તે જે ના રાખે આપ બ્રહ્મ કુટુંબ માં બ્રહ્મ કુંડ માં હો મે પાપ સતી સતી જતી એ હિન્દુસ્તાન જે ફકીરો દરવેશો મુનિઓ જે અંદર હકડો એવો ફિરકો આવે જતી જો મતલબ કે જો કોઈ ની મેરેજ ના કરે અને સતી ચોનતા કે જે હંમેશ સત મથે રહે એને કે મારી છડો તો પાની પોતે જો સત સત્ય એટલે ટ્રુથફુલનેસ અને પોતે જો ઈમાન અને ધર્મ ન છડે તો સચ્ચો મોમન સતી એ જે ન રાખે આપ સતી યાય કે જે પોતે કે ન રાખે મતલબ હું પણ ઈ ના કરે આવું કયો છે આવું કયો છે ઈ ના હોણું ખપે કુરાને શરીફ અસા કે સિખાઈ હૈ અહીંથી પણ કામ કરો ખુદા કે નામ કે યાદ કરો કોઈ પણ ચીજ ખાઓ પીઓ બહાર નીકળો ગડી હલાયો કપડા પહેરો કયો બિસ્મિલ્લા અલ્લાહ જે નામ સે શરૂ કરા તો કોઈ તો જો વખાન ચોય તો કોઈ અલ્હમ્દુલિલ્લા ખુદા કઈ આય મુંજો કી ના આય અને કોઈ ચીજ તું સારી તો કે કોઈ ન્યૂઝ દીએ તો જો માશાઅલ્લાહ એટલે ખુદાજી મરજી થઈ કોઈ ખૂબસૂરત ચીજ ન્યારે અને કોઈ કે તું નારીને ખુશ થીએ અને ઇન જો વખાન કરમ મેં તો ચો સુભાન અલ્લાહ આપ તો કિતને અચ્છે આદમી હે કૈસે માલદાર હૈ ઈ મળે ચીજો જિન જે અંદર ઇન્સાન પોતે કે ના પણ ખુદા તાલા કે શામિલ કરે હી સતી જો મતલબ આય સતી તે જે ન રાખે આપ પોતે કે પોતે જી બડાઈ ન કરે હું પણ છડી દે બ્રહ્મ કુંડ માં હે કુંડ ચોનતા વડ્ડો કોઈ દેગ જેડી ચીજ હુએ ઇન જે અંદર કોઈ ચીજ અસી ગરમ કરું ને ઇન કે બોઇલ કરું ને ખલાસ કરું તો બ્રહ્મકુંડ માં હોમે પાપ હોમે મીન્સ આગ લગાય આગ મેં પાંચ જડે ઘી વીજું તો ઇન કે ચોનતા હોમ તો ઈ જે ઘી કે તેલ આય ઈ બળી વિને તો એટલે પોતે જા જે પાપ આઈ ઇનકે લકડે સમાન બાળે કિન મેં બાળે બ્રહ્મકુંડ મેં બ્રહ્મ એટલે ખુદા અને કુંડ જો મતલબ આકડો વડ્યો દેગડો જેડો હોય વડ્ડો સુફરીઓ હોય ઇનકે કુંડ ચોન બહુ વડો પાણી જો પૂલ હોય તો ઇનકે પણ જલ કુંડ ચોન કુંડ જો મતલબ બહુ વડો પોટ અને હિકુર હોય કુંડ ઇન્સાન જો અંતર બ્રહ્મકુંડ જીના આત્મા રે મન તજે મન શુદ્ધ ધરે સાચી સિદ્ધિ તર્પણ કરે મન તજે પોતે જી મન જી ઈચ્છા તજી દે અને મન શુદ્ધ કરે મન જે વિચારો કે શુદ્ધ કરે એ રસન કબીર દિન જે જ્ઞાન યાદ કર અબદુ મન જીતે મન ઈચ્છા ફળ ઉપજે અને તન જીતે પૂછ રંગ એ હૃદય જીતે આનંદ ઉપજે ઇસ વિદ જોગ બચંદ અબદુ ઇસ વિદ જોગ બચંદ યહાં સુજો અબ્દુ જો ગીના ટ્રાન્સલેશન ક્યો આયા તો મન તજે
मन जीते मन इच्छा फल उपजे, मन के जीते तो मन जी डिजायर मीन्स दुआएं पूरी होती हैं, तन के जीते तो तन शुद्ध रहे, एक्सरसाइज करे इनके तंदुरुस्ती मिले, हृदय के जीते तो आनंद उपजे। इस विद योग बचन, इस विद इन रस्ते से तो कि योग मिल दो। मन तजे मन शुद्ध धरे, साची सिद्धि तर्पण करे, सच्ची जे सिद्धि आए, सिद्धि जो मतलब कोई चीज जी सक्सेस में जे इंसान के जो फ्रूट मिले इनके चौंता सिद्धि, ये तर्पण करे, तर्पण करे जो मतलब ये छड़ी दिए इनके सिद्धि मेड़वन जो इंसान जो एम न होनो खपे, मन खुदा ताला जी खुशी ने प्रेम ही एम होनो खपे। पांच विधि नू जाने मरम, ते छूटे चौरासी कर्म। ये पांच विधि आउ मथे गाल क्यों आया, अग पानी हवा धरती अने प्राण, इनजी जे विधियों आईन इनजे भेद के ई समझे, ते छूटे चौरासी कर्म, तो लख चौरासी जो फेरो इनसे छूटे। गावंत्री न जाने मरम, कहे गुरसो देवते ने सतिये ली दो सत धर्म। गावंत्री खुदा ताला जी वखान में तारीफ है, ये इन जो मरम ई सच्चो सती है अने इनके सत धर्म मिलियो। बारवो पाठ है, ब्राह्मण ते जे पाले ब्रह्म, अने ब्रह्म क्रिया महे बोल बाले कर्म। अने ब्राह्मण जी गाल आवी, ब्राह्मण जो मतलब आए ब्रह्मा जी औलाद, जेडी रीते रसूलुल्लाह की औलाद के सैयद चूनता, एडी रीते गुरु ब्रह्मा जी औलाद के ब्राह्मण चूनता। पन जेडी रीते सैयदो पोते जी असल के भूली गया, एडी रीते ब्राह्मणों असल के भूली गया। अने जे ब्राह्मण आई इलम जो मड़े कॉन्ट्रैक्ट इनी वटे आए, एटले आलिमों के ब्राह्मण चून, तो ब्रह्म ते जे पाले ब्रह्म, ब्राह्मण ही आए कि जे ब्रह्म मतलब इलम ज्ञान के पाले, अने ब्रह्म क्रिया महे बाले कर्म, ब्रह्म जी दर्जे जी जे रहनी करनी आदतों कैरेक्टर आए, एड़े सारे आमाल से पोते जा पाप बाले। गगन मंडल माए धरे ध्यान, परवस्ती नू ना ले वेदान। गगन मंडल माइंड जी अंदर एटले सुरती लगाए इबादत करे, अने गगन मंडल में ध्यान लगाए, अने परवस्ती नू न लेवे दान, कोई दिए जो दान न गिने, कोई भी मंगे ना। अने आज ब्राह्मण अटकल जा तो ये दान मथे तो जीवन था, गगन मीन्स आकाश, पर गगन मंडल जो मतलब इंसान जो माइंड ऊंचे में ऊंचे जो ध्यान की जगह है, इदा ध्यान लगाए। गायत्री नू जाने जाप, कहे गुरसो देव ब्राह्मण वैस, ते आपोई आप। गायत्री जो जाप करे अने ई सच्चो ब्राह्मण आए, गायत्री जो मतलब ऊंचियों से खुदा जी तारीफ, मतलब ही के ब्राह्मण पोते के की न समझे, इनमें हूं पड़ी न हुए, मरे खुदा ताला जी मस्ती जी अंदर रहे। आने दर्जो अच्छे तो ब्राह्मण से नीचे पंडित, पंडित तेजे पड़े पुराण, बीजू तेजे निर्चय निश्चय जान। जे पंडित आए ये पुराण जी स्टडी करे, पुराण इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा एंड ब्रह्म ज्ञान, दैट इज पुराण। तो के जो खबर हुए तो आधार पुराण आई, मुझी मसद इस्माइलिया हकड़ी चौपड़ी निकली हुई 48 में, हम आधार पुराण जा नाम लिखे आया, अने ई पुराणों के अंदर केतला श्लोक आई इनकी हम नंबरिंग पर दिनों आया।
पंडित तेजे पड़े पुराण बीजू तेजे निश्चय जान अने इनके अंदर इनजो ईमान मजबूत ने सलामत हुए ही पंडित हुए। पुरुष उत्तम सु लावे प्रीत आशा तृष्णा बांध सो रहित बद्धई सो रहित। पंडित सचो ही है कि जे ऊंचे माड़ू जे साथे दोस्ती करे पुरुष उत्तम सो लावे प्रीत। जे ऊंचो माड़ू हुए सारो माड़ू हुए नीच माड़ू साथे दोस्ती न करे। उत्तम में उत्तम पुरुष केर हो सके हजरीमा आशा तृष्ण बधा सो रहित। जे आशा एटले उम्मीद अने तृष्ण लोभ ममता ई बधी इनसे छेटो हलियो विने। पड़े ब्रह्मांड नी कथा सुंब संभलावे जे कहे गुर सहदेव साचा पंडित कहिए ते। ब्रह्म ज्ञान जी कथा करे कथा मीन्स वाज करे एटले असी लोको पंडितों में अचूता अने माड़ूए के संभलावे एटले ब्रह्मा जा मौला जा वखान करी माड़ूए के सुनाए ही सच्चो पंडित आए। हणे अचंता नर केड़ा खुलासा इन हिन में सूफी जी गाल करन था। सूफी ते जे सेवे सुबहान नेती बदी न लेवे नाम। सूफी आए कि जे सेवे मीन्स हमेशा इनकी आशा रखे इनके दिल जी अंदर इनकी प्रीत रखे सुबहान जी। सुबहान जो नाम रखी आए कि जिनमें कोई ऐब ना हुए इनके सुबहान जो वर्ड सुबहान जो मतलब इमेचुलेट पवित्र अने नेकी बदी न लेवे नाम। नेकी बदी जो नाम न लिए पर सुबहान जी ख्याल में हमेशा रहे। खुदा साथे लावे ध्यान अल्लाह मोहम्मद एक पिछाण। खुदा के साथे ध्यान इनके इनके याद में रहे अने अल्लाह अने मोहम्मद के हकड़ो समझे ही सजो सूफी। अरे अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बला ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल पाक फरमायो के खुदा मुझो नूर पोते जे नूर में से जुदा करी ने मुझे नूर में से इस जी सृष्टि पैदा करी। एटले खालिक मोहम्मद जो नूर है सत आहारी सत बांधे मोए कहे गुरु सहदेव साचा सूफी कहिए ते। सोए सत आहारी सत जो मतलब सच्चाई और सत जो मतलब ईमान थी तो एटले ई दुनिया जी खेणी पीणी जी अंदर ध्यान न रखे पर हमेशा ईमान जी खुराक खाए मतलब कि एड़ी गालियों सुने एड़ी गालियों जो विचार करे कि जिनमें ईमान मजबूत थी है अने सत बांधे सोए पोते जे ईमान के मजबूत करे कहे गुरु सहदेव साचा सूफी कहीं सोए। अच्छा हिंदुओं के अंदर बेओ हकड़ो दरवेश जो गुरु पाए जिनके जंदा चौन जंदा तेजे जपे जाप जिकर फिकर मैं रहवे आप। जंदा ही है कि जे हर वक्त खुदा जाला जे इसमें आजम जाप में मशगूल रहे अने जिकर फिकर मैं रहवे आप खुदा जी फिकर में अने खुदा जी याद में रहे। भांगे भूख एही कलाम नबी सारों को करे सलाम। अभी जे भांगे भूख भूख के तोड़े मीन्स रोजा रखे अने इन जो यही कलाम हुए मतलब कि दुनिया से इन जो मन जुदो रही है अने नबी सारों को करे सलाम। नबी जो जे आल आए
نبی جیڑا جے ہون انہیں کے سلام کرے. یہ مطلب ہے پیریں جو سادات کے. پر وقت شوں اندھا تھائے کہے گل سو دیو سوئی جھنڈا بہشتی پلائے. یہ جو زندہ جو شبد ہے ان جو عربک تھی تو زاہدہ. زاہد مینس پرہیزگار. ان جو پلورل ہے زہاد ان کے چونتا ایسٹکس. پر وسط سو بین جے مال ملکت سے اندھو تھائی بنے. مطلب کہ بین جی مال ملکت متھے نظر نہ کرے. انہیں گرو صدر دین فرمائن تھا کہ ہی سچو زاہد آئے. قاجی تے جے کلمہ پڑے دل پاک صاحب سو رہے. انہیں قاضی ہی آئے کہ جے کلمہ پڑے اللہ انہیں رسول کے یاد کرے. کلمہ پاک چیز ہے. کلمے سے پوتر پائی تھی ہے. تو قاضی تے جے کلمہ پڑے دل پاک صاحب سو رہے. انہیں مولا جے ساتھے پوتے جو دل رکھے کہ مولا پوتے پاک آئے. قاضی جی گال تھائی. قاضی تے جے کلمہ پڑے دل پاک صاحب سو رہے حق حلال کرے حضور سو قاضی خدا کا نور. حق انے حلال بے چیزوں کے پوتے جیسا میں رکھے. مطلب کہ ان جے اندر بھول نہ کرے تو ہی قاضی جے اندر خدا جو نور اترے. پانچ بھیتر رکھے ساجی کہے گر سو دیو سچا کہیں ہے سو ہی قاضی. پانچ بھیتر انے شریعت کے حساب آرٹیکل آف فیتھ پنج آئیں. پنج آرٹیکل آف فیتھ. نمبر ون توحید. ان جو ایمان حکڑے خدا متھے ہوئے. نمبر ٹو نماز. نمبر تھری زکات. نمبر چار روزہ. نمبر پنج حج. ان شریعت پرمانے فائیو آرٹیکل آف فیتھ آئیں. ان کی چونتا فروعات دین. کہ یہ پنج چیزوں آئیں سے بھیتر راکھے ساجی. ساجی مینس ایکول. ملا تیجے منہ سے آپ کرے ذکر خدا کا جاپ. ملا ہی آئے کہ جے پوتے جے منہ سے ہر وقت خدا جو ذکر کرنو رہے. پڑھے کلمہ نے کتاب قرآن اللہ بنا نہ بوجھے دوجا نام. کلمہ پڑھے قرآن شریف کی تلاوت کرے انہیں خدا کے سوائے ایکول کوئی کے نہ سمجھے. جئی مسیح تے دیوے بانگ جیم آپ من سنے کانو کان. اتلے مسجد میں بھی نہیں بانگ دیے. یہ بانگ جو مطلب ہے دیں کے بلائے. અને પોતે એ ચીજ ન સુને. પાંચ વખત નમાઝ કરે ભલા કહે ગુર સહદેવ સાચા મુલ્લા કહીએ સો હી મુલ્લા. હી મુલ્લા સચ્ચો હોય બરાબર શરિયત મતે હલે. મુસલમાન તે જે મુંહ સે આપ પડે કલમા દિલ રહિત પાપ. સચ્ચો મુસલમાન હી આવે તે પોતે જે મુંહ સે ઇકરાર કરે કલમા પડે અને દિલ કે પાપ સે છેટો રખે. હરામ ખોએ ને ચાલે હક ભજ રહે જે એક અલખ. હરામ ખોએ કે હરામ ચીજો કે દૂર કરે ને ચાલે હક અને સચ્ચાઈ મથે અમલ કરે ભજ રહે જે એક અલખ અકડે જે ખુદા તાલા કે વાદહુ લા શરીક કે ભજે યાદ કરે. ગિનાન જલ માહે ગુસલ જે કરે سول کلا میں روزہ دھرے. گنان جل میں علم جے گنان جے اندر غسل کرے. گنان آئے علم ان جے پانی میں. علم کے پانی چونتا علم کے پانی کدا کیوں یاد ہے کہ علم مرتبہ تو دریا جیسا ہے نا.
علمائی پانی ہے ان کے اندر غسل کرے અને સોળ કળામાં રોજા ધરે. સોળ કળા કુરુ હોય ચંદ્રજી સોળ કળા હોય. કળા મીન્સ ઇન્ડિયા સ્ટેડિયસ. પહેલા ચંદ્ર રાત્રે ગીની અને ચૌદમી સુધી ચડે અને એન પછી ઉતરે. ચૌદો ને પંદરો એ હકડી સાઈઝ રહીએ, કોઈ સોળ હશે નીચે ઉતરે એટલે એની સોળ કળા આવી. આજ ખુલાસો થયો. સોળ કળા સો ચંદ્રમાં, મતલબ કે ચાંદજી જેટલી પણ શેપો અહીં ગુરુજી અંદર સોળ કળા આવે કે ગુરુજા સોળો ફેઝ ડિઝાઇન. ગુરુ માય, ગુરુ ઇલમાય, ગુરુ દોસ્ત આય, ગુરુ પે આય, ગુરુ ઇલમાય, ગુરુ નૂર આય, ગુરુ દીપક આય, ગુરુ દરિયા આય, ગુરુ કિતાબ આય, ગુરુ સાઈ આય, એ મળે ગુરુ જા સેવી આય. એ સમજો કરો જ્ઞાન. ગુરુ દીવા ગુરુ ચંદ્રો ના ગુરુ આય, એ દીવો પણ આય. દીવો ચોંતા જે ઘર જે અંદર હકડે ઠીકાને પીઓ હોય એ બતિયા દીવો હોય. ચંદ્રના ચંદ્રજી રોશની ગુરુદીપ દરિયા દીપક પણ હોય. બાર તો કે વિનંદ જો હોય તો દીપક ખણી ને ટોર્ચ. એ ગુરુ બિના તાળા મરદો ના ખુલે, તોડે ભરે રેણ ભંડાર, અજ્ઞાના સારી તેરા પંથ ઘણા, વીરા મારા ધરમી તરે જીવડા ના ડરે શાજી. એ પ્રિન્ટ ગીને ને ગુરુ આય, ચાંદની આય, દીપક આય, દીવો આય, દરિયા આય, એ મળી ગુરુ જ આપે છે. સોળ કળાસો ચંદ્રમાં ગુરુ સોળ કળાસો અને બારો ફેઝિસ ઇમામ જાય બાર કળા સુરજ. હા, ઇન્ડી કળા ઇન્ડિયા ફેઝિસ ઇન માટે ડિઝાઇન, કારણ કે ઇનકે જ વધુ કામ કરવો પડતો. ખુદા કરતા ગુરુ વધુ કામ કરે તો ગાહને ઈ કહે તો ગુરુ જા ઇમામ જા બાળો કળા ઇન જે ઝિકર કરો. ઇમામ આય એ ખાલિક આય, રાજા આય, બે આય, શેઠ આય, અગવો આય. અગવો યાની રહનુમાઈ કરણ વાળો, મીન્સ રસ્તો દેખાડ ગાઈડ ક્યો પણ. ટીચર આય, કાઝી આય, જજ જજમેન્ટ ડીન વાળો અને પનિશમેન્ટ ડીન વાળો આય. અને એ પોલીસ જો કમે કરે સિપાહી આય કે જે પકડે. હેળા બારો ફેઝિસ એ ઇમામ જાય. હા, બાપી જાય લખાય તો જે નામ જો હકડો માળું હુઓ ઈ રોંદો હુઓ દમિશ્ક મેં. કન્ટિન્યુ ટુ સીડી નંબર